हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आदि एंड मम ब्लॉग्स। और गाइस, आप सब कैसे हैं? आई होप बहुत अच्छे होंगे। और अच्छे से रहिए, तंदुरुस्त रहिए, क्योंकि ठंडा चल रहा है बहुत ही। विंटर सीजन में अभी जुकाम सर्दी बहुत ही हो रहा है, तो टेक केयर। तो गाइस, आज डिस्कशन करेंगे कि बच्चों को गिफ्ट मिलने के बाद वो कैसे रिएक्शन करते हैं। बच्चे को कोई भी गिफ्ट मिलता है तो क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं, क्या क्या काम छोड़ देते हैं, और गिफ्ट मिलने के बाद वो सब भूल जाते हैं। तो हम लोग उन्हें कैसे हैंडल करें, तो आइए जानते हैं। सबसे पहले गाइस, बच्चों को जब गिफ्ट मिलता है तो वो अपना जो डेली रूटीन होता है, जो भी डेली का काम होता है, जो डेली बेसिस में जो टाइम टेबल के हिसाब से जो काम करते हैं, वो सब नहीं हो पाता है, क्योंकि वो अपने टॉयज में लगे रहते हैं और अपना काम ठीक से नहीं करते हैं। तो हम उसे कैसे हैंडल करना चाहिए? सबसे पहली बात है कि उसे जिसका अगर उसका जो स्टडी का टाइम है, तो वो क्या करता है कि बच्चे क्या करते हैं कि अपना टॉयज को लेके इधर उधर घूमते रहते हैं और पढ़ने नहीं बैठते हैं, स्टडी करने के लिए नहीं बैठते हैं। तो हमें क्या करना पड़ता है? कोई कोई पेरेंट्स क्या करते हैं, उन्हें डांट देते हैं। तो गाइस, ऐसा करना ठीक नहीं होगा, क्योंकि बच्चे समझ नहीं पाते हैं। उनको कुछ पता ही नहीं है कि स्टडी टाइम में पढ़ना है, उनको कुछ पता नहीं रहता, उनको जल्दी समझ नहीं आता है। कोई कोई बच्चे समझ जाते हैं जल्दी, बट बहुत सारे बच्चे नहीं समझ पाते हैं। तो हमें उनको समझाना है, नहीं तो कहीं से कुछ एक्टिविटीज़ कराना है कि उनका स्टडी में मन लगे। कोई एक्टिविटी वाइज हम लोग को उन्हें पढ़ाना चाहिए, तो उनका जो ध्यान टॉयज में है वो उधर ना जाके इधर पढ़ाई में उनका मन लगे। तो हम लोग को जैसे लिखना है, उनको लिखने में ध्यान लगाना है, तो उसको एक्टिविटी करके कुछ कोई ध्यान उनको एक करके उनको बुक्स का जो कर्सिव राइटिंग आता है, बुक्स आता है, पिक्चर लगे रहता है बुक में, उस टाइप बुक में हम लोग को लिखाने से वो पिक्चर देख देख के उनका मन उधर डाइवर्ट होता है। तो इसीलिए उनको कुछ एक्टिविटी वाइज ध्यान एक करके डाइवर्ट करके उनको पढ़ाई में मन लगाना है। तो हम लोग को उसी तरह से हैंडल करना चाहिए। अगर वो बच्चा को खाने के टाइम भी अगर आप टॉयज पकड़ रहा है, बच्चा अगर टॉयज मैं इसी को पकड़ के रहूँगा, मैं खाना नहीं खाऊंगा, हाथ से खाना नहीं खाऊंगा, मामा मुझे खिलाइए, तो उस टाइम क्या करना है, उसको थोड़ा से कुछ अलग उसका माइंड डाइवर्ट करना पड़ता है कि वो खुद से खाए। जैसे कि उसको बोलना है कि टॉय बेटा आप टॉय सामने रख दो, उसके बाद आप उसे देख देख के खाना खाना। तो उसी तरह से हम लोग को उसे हैंडल करना पड़ता है बच्चों को। तो मेरा बेटा अभी 3 साल का है, 3.5 ईयर्स का है, तो उसे भी कोई टॉय मिलता है तो वो भी अपना टॉय पकड़ के घूमते रहता है और ठीक से पढ़ने नहीं बैठता है, अपना टॉयज के साथ टाइम स्पेंड करता है। तो हम लोग उसे इसी तरह से कोई माइंड उसका डाइवर्ट करके उसे जो स्टडी टाइम होता है उसको स्टडी टाइम में बैठाते हैं, और खाने का टाइम हो, खेलने का टाइम हो, तो जो भी काम है उसका डेली का काम, उसको माइंड डाइवर्ट करना पड़ता है और उसे समझाना पड़ता है कि उसे समझाते हैं कि बाबा पढ़ने के टाइम पढ़ना है और खेलने के टाइम खेलना है, टॉय के साथ जब खेलोगे तब खेलना, बट अभी पढ़ना है आपको, और उसका माइंड थोड़ा डाइवर्ट करना पड़ता है, थोड़ा एक्टिविटी कराना पड़ता है कि उसका ध्यान टॉयज में ना जाकर पढ़ाई में ध्यान आए। तो उसके साथ हमेशा हम लोग ऐसे ही करते हैं, उसका माइंड एक्टिविटीज़ के थ्रू डाइवर्ट करते हैं और उसे पढ़ाई में ध्यान लगाते हैं। आप बच्चों के साथ टॉय मिलने से कैसे बिहेवियर करते हैं? कोई कोई पेरेंट्स उन्हें बच्चों को डांट देते हैं कि ये नहीं करना है, और उन्हें थोड़ा जोर से डांट देने से बच्चे अपसेट हो जाते हैं और रुट जाते हैं। तो ऐसे नहीं करना है, उन्हें समझाना है और कोई माइंड डाइवर्ट करके एक्टिविटीज़ में डाइवर्ट करके उसे उसके काम में लगाना है, डांटना नहीं है। डांटने से वो सोचते हैं मुझे टॉयज खेलने नहीं दे रहे हैं और डांट रहे हैं, और वो
उनका जो थिंकिंग है वो थोड़ा अलग हो जाता है। तो इसीलिए मैं हम लोग ऐसे ही करते हैं। तो आप भी ये अपना ये जो एक्टिविटीज़ वाइज है बच्चों को जो समझाना है उसको ट्राई करके देखिए, बच्चे आराम से अपना काम करेंगे और बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करिए। जितना टाइम स्पेंड करेंगे एक्टिविटीज़ कराने में, क्योंकि मम्मा एंड पापा का टाइम बहुत देना पड़ता है बच्चों को। अगर पेरेंट्स टाइम नहीं देंगे बच्चों को तो बच्चे अपना काम ठीक से नहीं करेंगे। तो खास करके मामा ज़्यादा घर में रहती है, घर में रहते हैं तो मम्मा को ज़्यादा बच्चों के लिए टाइम देना पड़ता है। तो जितना बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करने से बच्चे उतना ही खुश होते हैं और अपना काम ठीक से करते हैं। सो गाइज, आप सब ये ज़रूर अपनाएं, ज़रूर ट्राई कीजिए और बच्चों के साथ टाइम स्पेंड कीजिए। और आज का ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके बोलिएगा, और कमेंट लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिए। और जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी सब्सक्राइब कर दीजिए और आने वाला नेक्स्ट वीडियो को ज़रूर देखिए। सो आज का ब्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं। बाय बाय।